दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पोको F2 के बारे में। दोस्तों पोको F2 इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है पोको F2 के नाम से, क्योंकि यहाँ पे Mi 10 यूथ एडिशन जिसकी बहुत दिनों से लीक चल रही थी चाइना में, और वो फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है और ग्लोबली ये Mi 10 जूम एडिशन के नाम से जा सकता है। इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, क्या इसकी प्राइस है और क्या प्राइस के साथ ये इंडिया में आ सकता है और कब इंडिया में लॉन्च हो सकता है, आज इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो इसमें आपको मिलता है 6.57 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, और इसमें आप HDR10+ कंटेंट भी देख सकते हैं जो कि आपको फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता है, नॉर्मल या फिर मिड रेंज फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है। वो सारी फैसिलिटी आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आपको इसमें पंचोर डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है। आज की तरह आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कम से कम सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ आपको डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों बाकी कंपनियों की तरह ऐसा नहीं किया है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ या फिर 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दिया है, इसमें आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश रेट जो है इसका और टच रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 180 हर्ट्ज़ का, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की कि कैमरा इस फोन में आपको कैसा देखने को मिलता है। तो इसमें मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, या हालांकि यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, लेकिन जो मेन कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि ये सोनी का सेंसर या फिर सैमसंग का, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये सोनी का ही सेंसर होगा, और इसमें आपको 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, F1.8 का अपर्चर भी मिलता है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पे, और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और जो कि बाकी कंपनी यहाँ पे नहीं दे रही है, और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि OIS क्या होता है तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ आपको 5x ऑप्टिकल जूम, 10x हाइब्रिड जूम और 50x यहाँ पे डिजिटल जूम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 16MP की यानी 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाती है जिससे आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, जब फ़ोन लॉन्च होगा उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि फ़ोटो क्वालिटी जो है वो कैसी है। इसी के बाद दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो यहाँ पे आपको 4160 यानी 4160 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि आपको 22.5 वाट के चार्जिंग के साथ आता है। हालांकि ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जो बाकी कंपनीज़ है वो 14-15 हज़ार की रेंज में भी यहाँ पे 30 वाट का चार्जर दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 22.5 वाट का ही चार्जर मिलता है, तो ये मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात लगी। लेकिन डिसअपॉइंटिंग होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी कमाल की देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोसेसर पर, जो कि मेन फोकस होता है किसी भी फ़ोन का। इसमें आपको मिलता है 765G प्रोसेसर जो कि कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, और ये आपको 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो बैटरी एफिशिएंट है काफी ज्यादा ये प्रोसेसर, और ये सबसे बड़ी बात कि ये आपको 5G के साथ देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात यहाँ पे जो है डिसअपॉइंटिंग है कि UFS 2.0 का स्टोरेज मिलता है, अभी हालांकि चल रहा है 3.1, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है। यहाँ पे LPDDR4X वाली रैम की सपोर्ट मिलती है, और फाइनली इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, जो कि बाकी कंपनी यहाँ पे हटा रही है, इसे इग्नोर कर रही है, लेकिन यहाँ पे देने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो Xiaomi है वो यहाँ पे बताया है कि जो इसका स्पीकर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव है पहले से, और ये दोस्तों 7.8mm के थिकनेस पर मिलता है और 192 ग्राम्स के ऊपर ये देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी यहाँ पे पतला है जो कि स्लिम है, आपके हाथ में जो है वो अच्छे तरीके से कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। और ये दोस्तों आपको 4 वेरिएंट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसा कि पोको F1 आपको देखने को मिला था जो है यहाँ पे 664, 6128 और एक है यहाँ पे 8128 और एक है यहाँ पे 8256GB, यानी 4 वेरिएंट में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों मैंने एक बात आपको बताना भूल गया कि जो बैक है वो भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, और ग्लास बॉडी भी देखने को मिल जाता है।
जो इसकी बेस वेरिएंट है वो है लगभग, जो मैंने यहाँ पे चाइनीज़ करेंसी से कन्वर्ट किया है वो है लगभग यहाँ पे 22,000 के करीब, और जो है एक है यहाँ पे 6128 है वो है लगभग 25,000 के करीब, और एक मिलता है यहाँ पे 8128 जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 28,000 के करीब, और एक जो है वो सबसे अपर वेरिएंट है वो है यहाँ पे लगभग 30,000 के करीब जो कि मिल जाता है यहाँ पे 8256 GB। तो यहाँ पे आपको चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, और ये फ़ोन जो है पूरे चांसेस है, कंफर्म है कि ये इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं, और एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन ये आपको मई में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि ये फ़ोन क्या पोको F2 के नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है या फिर नहीं, आप मुझे कॉमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सही वीडियो को देखने के लिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।